हेलो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। क्लास फिफ्थ प्रेरणा हिंदी की पाठ्य पुस्तक हम पढ़ रहे थे। पाठ दो पढ़ रहे थे, माँ बेटे का मिलन। यहाँ तक हमारे इस पाठ की रीडिंग हो गई थी और ये वाला पैराग्राफ भी पूरा हो गया था यहाँ तक। अब हम इसके आगे से आज रीडिंग करते हैं। इस दुनिया में संगत का असर किस पर नहीं पड़ा है। कोमल पर भी इसका असर हो रहा था। आदमी के बालकों जैसी शरारतें उसके अंदर भी दिखाई देने लगी थी। कोमल बच्चों की तरह ही घर में तोड़फोड़ और नुकसान करने लगा। कभी वह बच्चों की किताबें फाड़ डालता, कभी कुछ सामान गिराकर तोड़ देता और कभी अपने मुंह में दबाकर खींचता और फाड़ डालता। कुछ दिन तक तो परिवार के लोग उसकी इन हरकतों को बचपन की शरारत मानकर छोड़ देते थे, मगर जब उसकी शरारतें लगातार बढ़ती ही चली गईं, तो घर के लोग धीरे धीरे उससे परेशान होने लगे। एक दिन उसकी बुरी आदतों से दुखी होकर वह आदमी कोमल को भरी दोपहरी में जंगल में नदी के किनारे वहीं छोड़ आया जहां से वह उसे लाया था। वह आदमी हिरन को छोड़ तो अवश्य आया था, पर उसके मन में हिरन अभी भी निकल नहीं रहा था, इसलिए वह दो एक दिन बाद उसे देखने के लिए जंगल में आता रहता था। उसने जंगल में कोमल को घूमते हुए छूट गई तो दूसरे दिन ढूंढ लिया, मगर उसे यह देखकर दुख हुआ कि कोमल की शरारत करने और उछल कूदने करने की वह आदत छूट गई थी जो दूसरे हिरनों में होती है। कोमल नदी के सुनसान तट पर कभी झाड़ियों व कभी पेड़ों की ओट में अकेला चुपचाप पड़ा रहता था। इसका कारण था कि इस तरह उसके आने से दूसरे हिरनों ने उसे पसंद नहीं किया था। वे उससे शायद इसलिए नाराज रहते थे कि वह हिरनों के समाज को छोड़कर आदमी के साथ इतने दिन तक रहता रहा। एक हिरनी थोड़ी दूर पर खड़ी उसे एक हिरनी थोड़ी दूर पर खड़ी उसे बहुत देर तक निहारती रही, देखती रही थी। कुछ पलों बाद वह भी दूसरी तरफ चली गई। कुछ देर बाद वह हिरनी फिर आई और दोबारा उसे ऐसे ही देखकर चली गई। कोमल उस हिरनी को देखकर थोड़ी देर के लिए तो प्रसन्न होता था, मगर जैसे ही वह उससे बिना मिले लौट जाती थी, वह फिर उदास सा जमीन पर लेट जाता और अपना मुख आगे को टिकाकर कुछ सोचने लग जाता। क्या वह हिरनी कोमल की माँ थी? कोमल अपने साथियों के झुंड से अलग अलग क्यों रहने लगा? क्या यह उसके हिरन समाज ने उसका बहिष्कार कर दिया था? मगर वह ऐसा क्यों कर रहे थे? क्या आदमी के संपर्क में रहने से कोमल अपनी जाति के गुणों और अपनी देह की गंध खो चुका था? निश्चित ही पशु पक्षी जो एक दूसरे को उसकी गंध के कारण ही पहचानते और प्यार करते हैं, वह कोमल में नहीं रही थी। अब उसमें से उन्हें मनुष्य की गंध आती थी। यह सोचकर उस आदमी को बड़ा पछतावा हुआ। उसे लगा कि वह कोमल का अपराधी है। वह क्यों उसे ले आया? एक हिरन के बच्चे को अपने घर अपने साथ रखकर उसे क्या मिला? उल्टे उसने कोमल के साथ यह खिलवाड़ किया जिसके कारण उसके साथी हिरन उसे अपना नहीं पा रहे थे। मगर उसके मन में एक आशा जगी, कोमल की मानवी गंध यहाँ जंगल में रहकर जल्द ही दूर हो जाएगी और तब उसकी माँ ही नहीं वरन उसकी हिरण जाति उसे अपना लेगी और वह फिर से प्रकृति के अपने पुराने संसार में लौट जाएगा। गर्मी का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा था। तेज गर्मी से पेड़ों के पत्ते, टहनियाँ, जंगल के पौधे और हरी घास सूख रही थी। पर्वत से गिरने वाले झरने और तालाब सूख रहे थे। बस एक वही नदी थी जो उसी गति से बह रही थी। इस आग बरसती गर्मी से चैन पाने के लिए नील गायों और हिरनों के दल पहाड़ों के झुंड यहाँ सुरक्षा की वजह से चक्रव्यूसा बनाकर सोते तो यह दृश्य देखने लायक होता था। झुंड के बीचों बीच शिशु और उनकी माताएं तथा गर्भवती हिरनियां विश्राम करती थीं। उनके आसपास बूढ़े या कमजोर हिरन बेफिक्र होकर सोते थे। बीचों बीच लगभग 8-10 मीटर की दूरी पर पहरा देने वाले हिरन तैनात रहते थे। इस तरह कुल 15-20 पहरेदार हिरन झुंड की चौकसी करते। इसके अलावा भी इस मंडली से कुछ दूरी पर झाड़ियों में भी छिपकर
भी चारों और पांच सात हिरण चौकस रहते थे, जो अचानक आने वाली आपत्ति को भाप कर सबको सावधान कर देते थे और घड़ी भर में सारे हिरण वहां से दौड़कर 9-2-11 हो जाते थे। वह आदमी कई दिन से भोर होने से पूर्व घूमने आता था तो यह सारी व्यवस्था देखकर हैरान हो जाता था। सच तो यह था कि वह कोमल को ही देखने आता था, जो अभी भी उदास उदास रहता था। आज ऐसे ही वह फिर दबे पांव आया तो सारे हिरणों को चौकस व्यवस्था में सोते देखकर मन ही मन बोला, हे प्रभु, इस मासूम हिरणों की सुख शांति को किसी की नज़र ना लगे। ऐसा ना हो कि किसी दिन शेर आ जाए। और यह सोचते सोचते उस आदमी के दिमाग में एक तरकीब सूझी। वह आप ही बोला, मुझे भी तो इनको बचाने के लिए कुछ करना चाहिए। एक रात यही हुआ। शेर को जब पहाड़ियों पर भोजन नहीं मिला तो वह नीचे उतरकर नदी के तट पर आ गया। उसे यहाँ पर अपने लिए भोजन मिल जाने का विश्वास था। वह बड़ी सावधानी से दम साधे धीरे धीरे तट पर आ पहुँचा। वहाँ आकर उसने सोती हुई हिरण मंडली का सिर उठाकर चारों ओर से निरीक्षण किया। उसकी नज़र अपने झुंड से अलग अलग एक तरफ अकेले पड़े कोमल पर पड़ी। शेर झाड़ियों की ओट में गुजरकर उधर ही चल पड़ा। शेर कोमल के पास पहुंचकर उसको दबोचने के लिए छलांगे मारने ही वाला था कि मंडली के बीच में तेज आवाज आई, जो पूरे जंगल में गूंज उठी। हिरणों ने जिधर दिखाई दिया उधर कुलाचे भरकर दौड़ लगा दी। शेर ने कोमल पर छलांग लगा दी और जैसे ही उस पर पंजा गड़ाना चाहा, कोमल उसकी पकड़ से बाहर गया। आगे का जो रह गया है वो हम बाद में पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट एंड गुड बाय।